इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये ठीक मध्य में जो निशान है, माणिकपाड़ की भूमबर उच्चे चौधरी का निशान, जो 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा अग्रित आई 48 लाख कोस की 12,000 भूमि चांदनी की शोभा, ये टापू महल की शोभा। पहली शोभा देखी जल उतरने की, तो ये देखिए जो भूम भर ऊंचा ये चबूतरा है, जल यहाँ से इन चबूतरे के साथ लगते जो 12,000 कुंड आए हैं, उन कुंडों में जल धाराओं के रूप में आता है और वहां से 12,000 नहरें चलती हैं। ये देखिए 12,000 नहरों का निशान, 12,000 नहरें चलती हैं। गुलाई में भी 12,000 नहरें चलती हैं। ये माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर हमारे पास जगह थी 10वीं और 11वीं महानद के मध्य 2,36,36,00,000 कोस की, जिनमें अभी 16,00,000 कोस की ही शोभा दिखी है। अब घेर कर जो शोभा आई है, उन शोभा का वर्णन हो रहा है। जहाँ झरनों के रूप में पानी गिरा कुंडों से, उन कुंडों से 12,000 नहरें निकली। और ये नहरें जाके देखिए माणिक पहाड़ को घेर कर जो महानद आई है, उन महानद में समा रही है। देखिए पीछे महानद का निशान आ रहा है। और 12,000 ही गुलाई में नहरें आई, आड़ी खड़ी 12,000 की 12,000 नहरें आई। इन शोभा को अन्य नक्शे से देखते हैं। इन नक्शे में देखते हैं, ये जो मध्य पिंक कलर का सर्कल है, ये तो 16,00,000 कोस का भूमबर ऊंचा चबूतरा हुआ, जिनकी 12,000 भूमों की शोभा देखी, चांदनी की शोभा देखी, मध्य ताल पे जो कुंड की है उनकी शोभा देखी। अब इन चबूतरे को घेर के जो परम धाम की जमीन पर, ये देखिए नीले रंग में 12,000 कुंडों की शोभा दर्शाई है। इन चबूतरे से झरनों के रूप में, धाराओं के रूप में जल भूमबर नीचे इन कुंडों में आया। अब इन कुंडों से 12,000 नहरें निकली। 12,000 ही गोलाई में नहरें आई, या दो नहरें या से 12,000 नहरें। अभी देखो इन नहरों का जल जाके माणिक पहाड़ को घेर कर जो ये महानद आई है, उन महानद में समाता है और फिर 11वीं महानद में समा जाता है। ये देखिए जल इन महानद में इकट्ठा होके 11वीं महानद में समा जाता है। अब ये जो 12,000 आड़ी खड़ी नहरें आई माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर, आड़ी खड़ी नहरें जहां कट रही है वहां पर कुंडों की शोभा हुई। ये देखिए कुंडों की शोभा, कहीं यहाँ विस्तार है तो यहाँ ताल कहा जाता है। 12,000 कुंडों की, 12,000 तालों की 12,000 हारे हुई। यहाँ पर दो हारे दिखा रखी है, ऐसे घेर कर एक गुलाई में 12,000 और इस तरह से 12,000 हारे आई। यहाँ पे दो हारे दिखा रखी है, एक दो, इस तरह से 12,000 हारे आई। ये चबूतरे को घेर कर पहली हार, ये दूसरी हार तालों की, इस तरह से 12,000 तालों की शोभा आई। अब इनके मध्य जो 12,000 की 12,000 चौक बने, जो इनमें हरे रंग में दर्शा रखे हैं, ये देखिए इनमें वनों की शोभा आई। इन वनों की 5.6 चांदी है। और जो कुंड आए हैं, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं, जहाँ पर कुंड या ताल आए हैं, उन तालों की जो चारों दिशाओं में पाल आई है, उनके मध्य में हर दिशा में 3,000 मौलाते आई हैं। ये देखिए पहली हार तालों की, दूसरी हार तालों की। ये देखिए ये ताल को घेर कर ही चारों तरफ लाल रंग की रोंस आ रही है। इसके मध्य भाग में 3,000 इधर, 3,000 इधर, 3,000 इधर, 3,000 इधर, ऐसे घेर कर चारों दिशाओं में 12,000 मौलाते आई हैं। हर दिशा में इन ताल की किसी भी दिशा में देखेंगे, जैसे यहाँ खड़े होकर शोभा देख रहे हैं, तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें और एक एक मेहराब में 1,000 मौल, ऐसे इन ताल को घेर कर चारों तरफ 12,000 मोहले आई हैं। इनको एक अन्य नक्शे से देखते हैं। इन नक्शे में देखते हैं मंदिर दीवार की शोभा, गुर्जों की शोभा, चबूतरों की शोभा, चबूतरे के साथ जमीन पर लगते कमर भर ऊंचे कुंडों की शोभा। एक कुंड दिखाया है, ऐसे गुलाई में घेर के 12,000 कुंड देखे थे,
यहाँ चबूतरे से धाराओं के रूप में यहाँ जल आया और यहाँ से जल नहरों में चला और जाके जल महानद में, देखिए महानद दिखा रखी है, इन महानद में समा गया। बारह जारी गुलाई में नहरें आई, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पे ताल की शोभा हुई। ताल की चारों दिशाओं में देखिए मोलातों के निशान दिखा रखे हैं। कुंड की शोभा जो मध्य ताल की शोभा है पहली भूमि में नजर आती है। जब इन मोलों की पहली छत पड़ती है तो इन संपूर्ण जगह पर एक छत हो जाती है, जो ताल की जगह है उस पर एक छत हो जाती है। अब जो मध्य ताल है उसके ऊपर चबूतरा आ जाता है और घेर कर मोहलों के ऊपर मोहल आते हैं, तो इनकी भी पांच भूम छठी चांदनी होती है। पांच भूम छठी चांदनी के वृक्ष देखे, पांच भूम छठी चांदनी के मोहल, तो माणिक पहाड़ को घेर कर इन जगह पर एकल छत हो जाती है। इन खड़े दृश्य के माध्यम से देखते हैं, ये देखिए मध्य माणिक पहाड़ का चबूतरा, माणिक पहाड़ का चबूतरा, इन चबूतरे की पांच भूम यहां तक होती हैं। तो ये देखिए घेर कर जो वृक्ष और तालों पे जो मोहलाते आई थी उनकी भी पांच भूम छठी चांदनी हो जाती है, एक चांदनी हो जाती है। देखो घेर कर गुलाई में, अभी जो देखी, अब चारों कोनों के मोहल उठते हैं। चारों कोनों के मोहल हमारे पास घेर कर 12,000 मोहल है, चारों कोनों के मोहल उठेंगे, 12,000 भूम तक सीधे चले जाएंगे। 12,000 भूम ऊपर जाके ये देखिए ये माणिक पहाड़ की मध्य चबूतरे की 12,000 भूमि हुई, ये पहली हार कुंडों की 12,000 भूमि हुई, इनसे एक भूम नीचे क्योंकि ये शोभा जमीन से शुरू हुई है और ये चबूतरे पे शुरू हुई थी, एक भूम नीचे जाके ये गुर्जों से मिलान कर लेंगे। मंदिर दीवार पर घेर कर जो 12,000 गुर्ज आए हैं, तो घेर कर जो पहली हार ताल आए हैं उन ताल की छठी चांदनी पे तालों के चारों कोनों की जो माहौल है भूम दर भूम 12,000 भूम छते डालते हैं और उन 12,000 भूम ऊपर जाके चारों जो माहौल आते हैं वो आपस में मिलान कर लेती हैं। तले तो हिंडोले की शोभा जाती है, ये देखिए 12,000 भूम से हिंडोला आता हुआ, झूला आता हुआ, और यहाँ छत पर कुंड की शोभा हो जाती है। अब यहाँ पर चारों कोनों के मोहल पुनः भूम पर ऊंचे उठेंगे और उन पर छत हो जाएगी। अब ये छत माणिक पहाड़ की चांदनी से मिलान कर लेगी। ये जो दूसरी छत आई है उन छत पर बैठकों की शोभा है और ये देखिए माणिक पहाड़ से, तो यहाँ जो गुर्जों का कुंड है उन कुंड के ठीक सामने बैठक हो गई। यहाँ गुर्जों के कुंड से जो ऊपर देखा था चांदनी पर जब 12,000 नहरें चलती हैं वो गुर्जों के कुंडों में समाती हैं, वहां से जल धाराओं के रूप में इन पहली हार कुंडों में आता है। अभी देखिए दूसरी हार कुंड 11,999 भूम जाते हैं और पहली हार से मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे कुंड की शोभा होती है और दूसरी भूमि में बैठक की शोभा। अब इस कुंड के ठीक सामने तो बैठक हो जाएगी और यहाँ से जल धाराओं के रूप में इन कुंड में आएगा। देखिए भूम दर भूम शोभा नीचे जाती जाएगी और जल नीचे उतरता जाएगा। आखिर की जो चार भूमि है वहां पर जब चौथी भूमि है तो वहां पर चौथी भूमि पर जाके कुंड होगा, फिर तीसरी, फिर दूसरी और पहली, और वहां से जल जो घेर कर महानद आई है वहां से वहां में समा जाएगा। इन शोभा को सुशांत महाराज जी के नक्शे से भी देखते हैं। इन नक्शे में देखते हैं माणिक पहाड़ का चबूतरा, 12,000 आड़ी खड़ी रहे, ये कुंडों की शोभा, पहली हार कुंड, दूसरी हार कुंडों पे शोभा, तीसरी हार से देखिए क्रमशः उतरती हुई, फिर घेर कर महानद में समाता हुआ जल। माणिक पहाड़ का चबूतरा, भूमबर नीचे इन कुंडों में जल आता हुआ, यहां से 12,000 नहरें निकली। ये देखिए चारों कोनों के ये मोहल उठते हुए, ये देखिए पांच भूम छठी चांद तक तो मोहल आते हैं, उसके बाद चारों कोनों के मोहल उठते हुए। अब पहले मोहल आते जाके गुर्ज से मिलान करती हैं,
दूसरी जाके कुंड से मिलान कर लेती है। तो यहाँ पर तो बैठक और यहाँ पे कुंड की शोभा। ये देखिए चांदनी का दृश्य, गुर्जों के कुंड, उन कुंडों के ठीक सामने जो पहली हर कुंड आए हैं उनकी बैठके, ये देखिए कुंड और कुंड की छत पर बैठक। ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे पांच भूमि, ये देखिए एक एक भूम चबूतरे के साथ ऊपर चार भूमि, और घेर कर ये पांच भूम छठी चांदनी एकल चांदनी, चारों कोनों के मोहल उठे, माणिपार से एक भूम नीचे मिलान हुआ, दोबारा मोहल उठे तो यहाँ पर बैठक। इस तरह से भूम दर भूम ये शोभा उतरती जाएगी नीचे। ये देखिए गुर्जों से भोंबर नीचे जल आया, पहली हार से दूसरी हार में, दूसरी से तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, ऐसी 12,000 भूमों में भूम दर भूम जल उतरेगा। लास्ट में ये देखिए चौथी भूम पर चांदनी, तीसरी भूम पर कुंड, दूसरी भूम पर कुंड, पहली भूम पर कुंड, और यहाँ से जल इन महानद को घेर कर जो महानद आई है उनमें समा जाता है। मानिक पहाड़ की चांदनी का दृश्य, टापू महल का दृश्य, टापू महल की चांदनी पर जो जल का स्तून खुला, यहाँ से जल इन कुंड में आया और वहां से धाराओं के रूप में इन 12,000 कुंडों में आया, जहां से 12,000 नहरें निकली और नहरें जाके गुर्जों के कुंडों में समा गई। दहलान की शोभा, दो भूम की दहलान की शोभा, धाराओं के रूप में जनता जल और 12,000 नहरें, बगीचों की शोभा, आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटी वहां पर कुंड चारों कोनों में थम, उनमें हिंडोलों की शोभा। जब ये जल यहाँ पहुंचा तो यहाँ से भोंबर नीचे उतर गया और वहां से एक हाँस आगे चला, एक हाँस आगे चला, इस तरह से भूम दर भूम जल उतरता है। ये देखिए कुंडों की शोभा, भूम दर भूम 12,000 भूमों में इसी तरह से कुंडों की शोभा आई है। उन्हीं कुंडों की छत पर या चांदनी पर हुए चारों दिशाओं की दरवाजों की शोभा, गुर्जों के कुंडों की शोभा। अभी देखिए उतरती जल की उतरती शोभा। पहली हर कुंडों पे ये देखिए, पहली हर कुंडों पे पांच भूम छठी चांदनी की मोहलात, इन पे भी मोहलात, इन पे भी मोहलात। अभी देखिए छठी चांदनी पर चारों कोनों के थंब उठ रहे हैं, ये देखिए चारों कोनों के थंब उठ रहे हैं थंब रूप में, ऊपर ये जो मोहल उठ रहे हैं थंब रूप में उठ रहे हैं। ये देखिए पांच भूम छठी चांदनी की मोहलाते कुंड को घेर कर और ऊपर चारों कोनों के थंब उठते हैं। ये नहरों की शोभा, बगीचों की शोभा। ये देखिए थंब कितने क्लियरली दिखा रखे हैं, चारों कोनों के थंब उठ रहे हैं। पहली हर की बात है ये, तो ये थंब 12,000 भूम तक जाएंगे, माणिक भूम से, माणिक पहाड़ की जो ये शोभा है उनसे एक भूम नीचे गुर्जों से मिलान कर लेंगे। ये देखिए भूम दर भूम ये थंब जा रहे हैं थंब रूप में मोहलाते। इनकी पहली छत पर ये देखिए कुंड, इन चारों थंबों के मध्य कुंड की शोभा है। पुणे से ये थंब उठते हैं और यहाँ पर बैठक की शोभा आती है। बैठक ठीक जो गुर्जों के कुंड आए हैं उनके सामने आई है और यहाँ से देखिए होम्बर नीचे ये जल या नहर से होता हुआ इन कुंड में आता है। इसी तरह से अब दूसरी हार जो ताल आए हैं वो 11,999 भूम उठेंगे और पहली हार
इन पिलर से मिलान कर लेंगे। ये देखिए लंबे हिंडोले, पहली हार में 12,000 घूम ऊपर से हिंडोले आ रहे हैं, दूसरी हार में 11,999 से आएंगे और छठी चांदनी पे झूला झूलते हैं। महाबिलन हिंडोले ये देखिए छठी चांदनी पर झूले जाते हैं। ये पहली हार की थी, अब ये दूसरी हार देखेंगे, ये थंब इन थंबों से मिलान कर लेंगे एक घूम नीचे, जो घेर कर पहली तालों की कुंड की शोभा थी 12,000 घूम ऊपर थी, दूसरी हार में 11,999। वहां से घूम भर नीचे जल उतरेगा, वहां से और घूम दर, इस तरह से घूम दर घूम जल नीचे उतरता हुआ आखिर में महानद में समा जाएगा, जो माणिकपाड़ को घेर कर महानद आई है, उसके बाद 10वीं 11वीं महानद में समा जाएगा। जल की धाराएं गिरती हुई, ये देखिए लंबे हिंडोलों की शोभा, चारों कोनों के थंब कैसे थंब रूप में ऊपर जा रहे हैं, चारों कोनों के जो मोहल हैं कैसे थंब रूप में ऊपर जा रहे हैं छठी चांदनी से। महाबिलन हिंडोले की शोभा एक रूपक समझने के लिए, माणिक पहाड़ की संपूर्ण शोभा देखिए कैसे घेर का भूम दर भूम जल नीचे उतर रहा है। ये देखिए ये जल उतरता हुआ, ये जो सफेद निशान है जल उतरता हुआ, ये देखिए कुंड के ठीक सामने बैठक, कुंड के ठीक सामने बैठक अगली, ऐसे ये जल उतरते उतरते घेर कर जो गोलाई में महानद आई है उन महानद में समा जाता है। ये देखिए धाराओं के रूप में पहली हार में दिखा रखा है कैसे जल उतरता हुआ, फिर नहर से पहली हार तालों में जाके समाता हुआ, जो 12,000 भूम आई है ये देखिए ताल में जाके समाता हुआ, यहाँ से पुनः भूम पर नीचे जल गया और दूसरी हार तालों में जाके समाता हुआ। इस तरह से अगर शहूर करते हैं तो घेर कर 12,000 धाराओं की 12,000 हारे क्रमशः नीचे उतरते 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 आखिर में महानद में समा जाती है। देखिए महानद का निशान, महानद के दोनों ओर भी हिंडोलों की शोभा जिन पर एक छत हो जाती है। इस तरह से माणिक पहाड़ की अलौकिक मनोहारी शोभा को देखने का प्रयास किया। प्रणाम जी।